महंगाई पर काबू पाने के लिए रूस से सस्ता गेहूं खरीदने की तैयारी में भारत। 90 लाख टन गेहूं के आयात के लिए कारोबारियों से बातचीत कर रही है सरकार। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के आखिर में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए रूस से सस्ता अनाज खरीदने पर विचार कर रही है। दोस्तों, पिछले महीने खाद्य महंगाई की वजह से ही खुदरा महंगाई 15 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। रूस से गेहूं के आयात के मामले की जानकारी रखने वाले 4 अलग अलग सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार रूस की तरफ से किफ़ायती दर पर गेहूं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और करीब 90 लाख टन गेहूं का आयात तय माना जा रहा है। 2 महीने में गेहूं की थोक कीमतों में 10% की बढ़ोतरी।